मार्केट्स डेलो पर ट्रेड कर रहे हैं, आईटीसी, ल्यूपिन और एचडीएफसी, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि मार्केट्स को नीचे ड्रैग कर रहे हैं। अब करीब करीब 61 पॉइंट्स की वीकनेस निफ्टी में देखी जा रही है, 7477 के लेवल्स पर हैं। आईटीसी करीब 2.5% कमजोर है, ल्यूपिन में 6.5-7% कमजोरी देखी जा रही है और एचडीएफसी वीक अर्निंग्स आउटलुक के बाद गोल्डमैन सैक्स ने टारगेट्स को ट्रिम किया है और स्टॉक करीब 3.5% नीचे ट्रेड कर रहा है। लेकिन यहां से सीधे रुख करेंगे जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर का। और एक्सक्लूसिव खबर लेकर मेरे सहयोगी केतन जोशी मौजूद है अहमदाबाद से और एक्सक्लूसिव खबर है रत्नमणि मेटल्स के बारे में। बताइए केतन, क्या जानकारी है? आने वाले 3 साल में कंपनी अपने विस्तार योजना पर 350 से 400 करोड़ का निवेश करेगी और इससे कंपनी को ये लाभ होगा कि अभी सालाना उनका जो स्टेनलेस स्टील पाइप का उत्पादन है वो 8,000 टन है, लेकिन ये बढ़कर 2.5 गुना हो जाएगा, मतलब कि 20,000 टन अतिरिक्त इसमें जब ये 2 चरण पूरे हो जाएंगे तब ये 28,000 टन स्टेनलेस स्टील पाइप का उत्पादन करने लगेगी। पहला चरण है वो 2017 के अंत तक पूरा हो जाएगा और ये उत्पादन भी शुरू हो जाएगा और 2019 तक दोनों चरण में पूरी तरीके से ये उत्पादन शुरू हो जाएगा। और कंपनी का पॉजिटिव व्यू इस पर ये है, जो कंपनी के मैनेजमेंट ने हमसे ये एक्सक्लूसिव बातचीत की उसमें ये बताया कि करीब करीब 750 करोड़ का टर्नओवर है वो एडिशनल इसमें जुड़ जाएगा जब दोनों चरण कंप्लीट हो जाएंगे और फुल फ्लेश इसका प्रोडक्शन हो जाएगा। अगर पिछले वित्तीय वर्ष की बात करें तो कंपनी का कुल टर्नओवर है 1600 करोड़ से अतिरिक्त था और नेट प्रॉफिट 172 करोड़ से भी अधिक था। और खास गौर करने वाली बात यह है कि अभी स्टेनलेस स्टील के जो रॉ मटेरियल के दाम है वो करीब 10% से लेकर 30% तक गिर गए हैं। ऐसे में ये विस्तार करना बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि कंपनी के पास अच्छी ऑर्डर बुक है और इसके चलते ही ये विस्तार का पूरा प्लान बनाया है और न केवल प्लान लेकिन उसको एजुकेट भी कर दिया है। अभी सिविल वर्क चल रहा है, खासकर जो कच्छ में उनका एक प्लांट है और दूसरा प्लांट अहमदाबाद के नज़दीक इंद्राड़ है, वहाँ पर ये पूरा का पूरा है डेवलपमेंट होने जा रहा है। और आने वाले समय में कंपनी को उम्मीद है कि जो अलग अलग सेक्टर में पाइप की डिमांड है, खासकर फर्टिलाइजर सेक्टर है, वाटर सप्लाई है, ऑयल एंड गैस है, वो अलग अलग फील्ड में गैस डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इन सारी चीजों में कंपनी है वो अपने पाइप्स की अच्छी डिमांड देख रही है, इसके चलते स्टेनलेस स्टील पाइप का ये विस्तार शुरू कर दिया। शुक्रिया केतन आपका। रत्नमणि मेटल्स की एक्सपेंशन की योजना है और आप देखिए स्टॉक पर रिएक्शन भी आया है, करीब 17 रुपए की बढ़त के साथ अब स्टॉक ट्रेड कर रहा है 463 के लेवल्स पर। लेकिन वेंकैया नायडू की ओर से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। वेंकैया नायडू की ओर से जो कमेंट्स आ रहे हैं उसमें वो कह रहे हैं कि सरकार चाहती है कि होम लोन दरें कम हो और होम लोन की जो दरें हैं वो 7 से 7.5% के बीच होनी चाहिए। आज रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल लोकसभा में भी पेश होगा, राज्यसभा में पहले ही पास हो चुका है, इससे पहले भी ये लोकसभा में आ चुका है लेकिन आज दोबारा आने की बात हुई। और अभी जो मौजूदा होम लोन की दरें हैं वो 9.5-10% के आसपास हैं अगर ज्यादातर बैंकों की देखें तो, लेकिन 7 से 7.5% होम लोन दर होनी चाहिए। और रियल एस्टेट स्पेस में अगर सच में रिवाइवल लाना है तो लोअर इंटरेस्ट रेट्स का एक बहुत बड़ा रोल होगा और इसी लिहाज से जो अपकमिंग आरबीआई पॉलिसी है वो भी काफी अहम रहेगी। लेकिन चलिए अगले कॉलर से बातचीत करते हैं और बातचीत करने के लिए हमारे साथ उमर है जम्मू से। उमर नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, क्या क्वेश्चन है आपका? मैम मेरे पास जीएनएफसी के 550 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 77, मैं इसका शॉर्ट टर्म टारगेट जानना चाहता हूँ। ठीक है लोकेश, जीएनएफसी के शेयर्स इनके पास 83 पर अभी ट्रेड करा है और इनका एंट्री लेवल 77 का है, मुनाफे में है लेकिन जानना चाहते हैं कि नेक्स्ट टारगेट्स क्या हो सकते हैं। If I look at the long term charts, it's quite evident the stock has taken the support from the level of 66 rupees. 66 rupees ke levels ke aas paas isne support liya, wahan pe ab positive shoulder formation ban rahi hai jo saaf saaf indicate karti hai ki aane wale time mein stock mein 100 रुपये से लेकर 110 रुपये का लेवल देखा जा सकता है और इसकी जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो 90 रुपये के ऊपर है, अगर उसको क्रॉस करेगा तो 100 और 110 के लेवल्स ऊपर की तरफ आपको मिल जाएंगे। होल्ड योर पोजीशन विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अराउंड 75 रुपीज। सो होल्ड ऑन टू जीएनएफसी विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 75 रुपीज, सर लोकेश की सलाह है। अगले कॉलर है हमारे साथ मिस्टर अमित वाराणसी से। नमस्कार अमित, आपका सवाल कौन से स्टॉक पर है? रिलायंस पावर के 1000 शेयर। आपका सवाल पूछिए। रिलायंस पावर के 1000 शेयर है 45, 46, 45 के रेट पे,
45 के रेट पे है। आपको राय दिला देते हैं, इनफैक्ट पंकज जी, पंकज रिलायंस पावर पर उनका सवाल था, 46 ऑट लेवल पर उनकी परचेज प्राइस है। लास्टली अगर हम रिलायंस पावर का तीन महीने का परफॉर्मेंस देखें तो इट हैज ऑलरेडी स्लिप फ्रॉम 60 ऑट लेवल्स टू 40 ऑट लेवल्स एंड इट हैज नॉट जनरेटेड एनी रिटर्न्स फॉर द इन्वेस्टर्स। फंडामेंटली आपका क्या व्यू है इस पर? बिल्कुल मनोज, आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट। अभी जिस तरह से हमने करेक्शन देखी है 59-60 के लेवल से 42 या 41-42 का इसने लोअर बॉटम बनाया था एंड दैट बिकम्स अ स्टॉप लॉस। जो आपका स्टॉप लॉस है 41-42 है और यहाँ से मेरे को ऐसा लगता है कि स्टॉक गुंजाइश रखता है एक छोटा मोटा पुल बैक, अ पुल बैक ऑफ क्लोजर टू 5-7%। और अगर वो पुल बैक मिलता है तो इस स्क्रिप्ट से बाहर आइए। मेरे को लगता है ऑन अ मीडियम टू लॉन्गर टर्म प्लेटफॉर्म ज़्यादातर ये जो ऐसे पावर स्टॉक्स होंगे दे वोंट बी आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स एंड योर मनी इज नॉट एट द राइट प्लेस। सो 41-41.5 रुपये का स्टॉप लॉस लेके एक छोटे से पुल बैक की वेट करिए और वहाँ पर आप इस स्टॉक से एग्जिट करिए। शुभम का सवाल है पश्चिम बंगाल से। शुभम गुड आफ्टरनून, क्वेश्चन पूछिए अपना। लेकिन देखा जाए तो 56-58 के आसपास एक बहुत अच्छा बेस है। अगर स्टॉक उसको वॉयलेट करेगा तभी एक बेरिश टेरिटरी में जाएगा, लेकिन फिलहाल अपनी पोजीशन को आप होल्ड कर लीजिए एंड यू सी द फंडामेंटल न्यूज गेटिंग क्लियर, यू सी द स्टॉक गेटिंग लेवल्स अराउंड 70-85 ऑन द अपसाइड, तो अपनी पोजीशन को आप होल्ड कर लीजिए। चलिए, राय आपको दी गई है, होल्ड करने की सलाह है फिलहाल स्पाइस।